दहकती हुई शराब की भट्टियों को पुलिस ने तोड़ा। वैध शराब के विरुद्ध धनौरा पुलिस की कार्यवाही। दहकती मिली शराब की भट्टी तोड़ डाली, नष्ट किया लहन। पुलिस को आता देख दूर से नाव के सहारे भागे शराब बनाने वाले। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र की है। यहां पर जनपद की पुलिस अधीक्षक सुनीति सिंह के निर्देश पर धनौरा पुलिस ने अवैध शराब के विरोध में खादर क्षेत्र में गंगा नदी के टापू पर छापामारी की। छापेमारी के दौरान शराब बनाने की भट्टी तोड़ डाली, करीब 1500 लीटर लहन नष्ट किया। पुलिस को दूर से ही आता देख अवैध शराब बनाने वाले लोग मौका पाकर नाव के सहारे भाग निकले। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो बालक शराब की भट्टी पर शराब बनाते नजर आ रहे थे। साथ ही बुलंदशहर में शराब के कहर के बाद जनपद की पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी थानों की पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को थाना प्रभारी अमर सिंह, शेरपुर चौकी प्रभारी विपिन कुमार पुलिस बल के साथ गंगा नदी के टापू पर अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देने पहुंचे, जहां पर करीब 1500 लीटर लहन नष्ट किया। पुलिस को आता देख अवैध शराब बनाने वाले मौका पाकर नाव द्वारा भाग निकले, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों को चेतावनी दी, कहा कि आगे भी छापेमारी की कार्यवाही जारी रहेगी। आज प्रभारी निरीक्षक धनौरा व चौकी इंचार्ज शेरपुर ने शराब बनाने की सूचना पर पुलिस बल के साथ गंगा नदी के टापू पर शराब निष्कर्षण के ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां पर लगभग 2500 लीटर लहन नष्ट किया गया तथा शराब बनाने के उपकरण, ड्रम आदि नष्ट किए गए।